अपनी ऑडियंस को कि किस बारे में और किसका इनिशिएटिव है और क्या कुछ होने वाला है? सबसे पहले तो मैं ऑडियो ये सच पूछो तो एक ऑर्गेनाइजेशन है रेड बॉयज फाउंडेशन, जिनसे करीब मेरी 2 साल पहले मुलाकात हुई थी। जैसे उनके यहाँ पे एक थैलेसीमिया बीमारी वाला बच्चा था, इसे जेनेटिक डिसऑर्डर, तो उनको पता चला कि हमारे सर्वोदय हॉस्पिटल समर्पण ब्लड बैंक में ऐसा थैलेसीमिया डे केयर सेंटर चल रहा है, तो वो लोग ब्लड बैंक में आए थे। ऐसे उनसे बात हुई, हमने ब्लड बैंक दिखाया, अपने डेट उन्होंने कहा कि नहीं, ये बच्चों को ब्लड देना बहुत ज़रूरी है, तो पहले हम लोग एक ब्लड कैंप अरेंज करते कि कितनी दिक्कत होती है ब्लड कैंप आयोजन करने में। फिर बाद में उन्होंने हमें ब्लड डोनेशन कैंप दिया, एक मोबाइल वैन हमारे पास है उसमें। उसके बाद करीब फर्स्ट टाइम उनका कुछ 30 बैग्स कलेक्शन हुआ था, उसके बाद उनके थ्रू सबसे पहचान हुई। और यहाँ ई क्रिएशन में उन्होंने लास्ट 14 जून को वर्ल्ड ब्लड डोनर के दिन प्रोग्राम किया था, तभी भी हमारे अच्छे काउंट हुए थे। और अभी फिर से 3 महीने के बाद उन्होंने फिर से अरेंज किया है। क्या होता है, पब्लिक में एक अवेयरनेस आनी चाहिए कि भाई हमें ब्लड डोनेट करना है। जैसे काफ़ी टाइम से अभी लोगों में अवेयरनेस बढ़ा है, लेकिन फिर भी कुछ लोग सोचते हैं कि मुझे जब ज़रूरत होगी तभी मैं रक्तदान करूँगा, अभी क्यों करूँगा। लेकिन कहीं ना एक इंसानियत होनी चाहिए कि भाई आज ये प्रोडक्ट ऐसी है जो कहीं पे आप उगा नहीं सकते हैं, ना कहीं आप मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, ना कोई लेबोरेटरी में बना सकते हैं, ये सिर्फ हमारी ह्यूमन बॉडी में बनती है। तो उसके लिए इन लोगों का, ए क्रिएशन टीम का मैं बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि ये लोग 3 महीने में करते, फिर भी मैंने इनको कहा है कि आप हर 3 महीने में ना करके सिर्फ 4 महीने में कीजिए। एटलीस्ट कैसे हमारे यहाँ का इंडियन खाना पीना है, आबोहवा है, एटलीस्ट डोनर को भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए, एज वेल एज उनका काउंट भी अच्छा होगा, तो हमें भी ज़्यादा क्वांटिटी में ब्लड मिलेगा। और हमारे यहाँ पे थैलेसीमिया 178 बच्चे हैं, जिनको हम करीब 11 साल से फ्री में हमारे यहाँ पे ब्लड डोनेट ट्रांसफ्यूशन देते हैं, और साथ में मेडिसिन वगैरह भी प्रोवाइड करते हैं। तो मैं बाकी भी ग्रुप को, जो यंग टीम है इनके जैसी, इनका एग्जाम्पल देके उनको भी मैं ये विनंती करूँगी कि ऐसे ब्लड कैंप अरेंज कीजिए और थैलेसीमिया बच्चों को सपोर्ट कीजिए, एज वेल एज थैलेसीमिया हीमोफीलिया कैंसर पेशेंट के लिए, मलेरिया डेंगू पेशेंट को प्लेटलेट की नीड होती है, जो ब्लड में से एक प्रोडक्ट बनती है, सेम प्लाज्मा भी, जिसमें ज़्यादा अगर आपका ब्लड निकलता है, ब्लीडिंग होता है, तो उसके लिए प्लाज्मा के साथ सिर्फ एक के ब्लड से 3 लोगों की लाइफ बचती है। तो प्लीज़ रक्तदान कीजिए, और ऐसी जो टीम है ए क्रिएशन, जो पूरा यंग जनरेशन ग्रुप है, इनको सपोर्ट कीजिए। एंड थैंक यू सो मच। ए क्रिएशन से कैसे टाइप हुआ आप लोगों का, थोड़ा सा ये बारे में? जस्ट एक रेड बॉयज फाउंडेशन करके ग्रुप है, उनके थ्रू हम लोगों की पहचान हुई थी। ऐसे अभी इनसे पहचान हुई ए क्रिएशन से, रेड बॉयज फाउंडेशन के मिस्टर शाहनवाज सर और नीलोफर मैम है, जिन्हों के थ्रू हमने एक बच्चा मिला था थैलेसीमिया में, उसको ब्लड नहीं मिल रहा था, तो हमने उसे हमारे यहाँ पे ले लिया। तो इन लोगों को पता चला तो उन्होंने कहा कि अरे बच्चों को ये लोग ऐसे ही फ्री में डोनेशन ट्रांसफ्यूशन दे रहे हैं, तो क्यों ना हम इनके लिए बार बार हम लोग रक्तदान कैंप करें। तो इसे हम लोग इनके साथ, ये हमारे साथ एसोसिएट हो गए। इनके थ्रू हमें और 2 कैंप भी मिले हैं कि जैसे जैसे कहते हैं ना, माउथ टू माउथ लोगों को पता चल रहा है, ऐसे थैलेसीमिया अवेयरनेस भी हमें बढ़ानी चाहिए कि शादी से पहले आपने अपना टेस्ट करना चाहिए, कि दो हस्बैंड वाइफ अगर थैलेसीमिया माइनर है तो उनके 25% बच्चे को थैलेसीमिया मेजर बीमारी आने की शक्यता होती है, और उस बच्चे को लाइफ टाइम ब्लड चढ़ाना ही पड़ता है। तो प्लीज़ मेरी आपके थ्रू एक रिक्वेस्ट है कि आप ये मैसेज स्प्रेड कीजिए कि शादी में हर इंसान 4 से 5 लाख का खर्चा करता है, लेकिन कम से कम शादी से पहले आप अपना ये टेस्ट कीजिए, रक्तदान कीजिए। रेड बॉयज फाउंडेशन और ए क्रिएशन टीम की मैं बहुत बहुत खुश हूँ। थैंक यू सो मच। मैम आप बताइए कैसे आप लोगों का टाइप हुआ है, इस इनिशिएटिव को आपके शॉप में किया जा रहा है, थोड़ा सा बताइए कि किस तरह का इनिशिएटिव है, और कैसे, जैसे मैम ने कहा कि इतना बड़ा इनिशिएटिव है और उसमें सपोर्ट करना बहुत बड़ी बात है, तो एक्चुअली इट ऑल थैंक्स टू रेड बॉयज, क्योंकि उन लोग की वजह से हम लोग को ये सब अपॉर्चुनिटी मिली है, एंड वी आर रियली थैंकफुल फॉर देम एज वेल एज द सर्वोदय बैंक एंड द मैम, क्योंकि अगर उन लोग की वजह से नहीं होता तो हम लोग एटलीस्ट इतने जो बच्चे हैं उन लोग को हम लोग ब्लड जो दे रहे हैं उन लोग के लिए कुछ बेटर लाइफ, लाइक फॉर द सोसाइटी वी आर प्लानिंग टू समथिंग बेटर, इन दैट वे वी प्लान लाइक टू डू अ बेटर कॉज फॉर देम, सो वी हैव प्लान टू डू दिस थिंग्स फॉर देम। मैम सेड कि 3 महीने में होता है, तो और क्या क्या इनिशिएटिव लेने वाले हैं आप लोग मिलकर? अभी तो टाई अप हो चुका है, तो करेक्ट,
अभी तो टाइप हो चुका है, सो वी आर प्लानिंग फॉर द बेटर फ्यूचर मैम. तो जो बच्चे हैं उन लोगों को थोड़ा और इम्प्रूवमेंट करने के लिए वी विल डेफिनेटली, मैम ने जैसे बोला है कि 4 महीने के बाद, तो डेफिनेटली और एवरी 4 मंथ्स वी विल डेफिनेटली मेक श्योर एंड विल मेक अ पॉइंट टू हैव अ ब्लड डोनेशन कैंप एवरी 4 मंथ्स एज इंक्लूडिंग द रेड बॉयज एज वेल एज ए क्रिएशंस एंड द सर्वोदय बैंक एज वेल. थैंक यू सो मच. हमने कहा कि आपने जो ये टाई अप करवाया, तो थोड़ा सा बताइए कि कैसे ये इनिशिएटिव आप लोगों ने किया. और थोड़ा सा हमारा जो रेड बॉयज टीम है, इसके जो प्रेसिडेंट है जाकिर हुसैन करके, इन्होंने पहले ही अपने अकेले स्टार्ट किया था. उसके बाद हम लोग ऐसे ऐसे जुड़ने लगे. फिर उसके बाद हम लोग ने छोटा छोटा कैंप करने लगे हमारे एरियाज में, कि बहुत से बच्चे हैं जो कम एज में स्टडी छोड़ देते हैं. उसके बाद हम लोग ने करियर काउंसलिंग का प्रोग्राम चालू किया. फिर हमें पता चला कि कुछ पेशेंट है हमारे उधर, हमारे एरिया में एक बच्चा ऐसा मिला जिसको थैलेसमिया का प्रॉब्लम था. तो हम लोग ने फिर उस बच्चे के थ्रू फिर हमारा, हम लोग ने उस सब जगह पे सब पूछा कि इस बच्चे का कैसा ट्रीटमेंट हो क्या हो, तो पता चला कि उसे ब्लड की ज़्यादा ज़रूरत है. फिर हमें दर्शना मैम जो समर्पण ब्लड बैंक है उसके बारे में हमें पता चला. फिर हमने इनसे बात की, इनसे हमारा टाइप हुआ. फिर इसी तरह से हम लोग ने ब्लड बैंक का शुरू किया. और मैं थैंक्स करना चाहूँगा हमारे सर जो होशी करंजिया, जिनका ये हमारा एक क्रिएशन सलोन है जिधर मैं काम करता हूँ. तो ये सर, हमारे सर को पता चला कि ये कैंप है, करने से बच्चे लोग को इतना प्रॉफिट होता है, फ़ायदा होता है, ब्लड मिलता है और किसी की जान बचती है. तो हमारे सर ने इस चीज़ के लिए अप्रूवल दिया कि ये हम करना चाहते हैं और हमेशा करते रहेंगे. तो मैं थैंक्स करना चाहूँगा हमारे सर का, होशी करंजिया सर का, और एक क्रिएशन टीम का, और दर्शना मैम जो ब्लड बैंक. तो हमारी रेड बॉयज की तरफ से थैंक्स उन सभी का. थैंक यू सो मच. I'd like to thank A Creations for taking up this such a noble cause of actually adopting so many children for thalassemia. Being a doctor myself, I really understand the importance of donating blood. I came here last time also when they had this camp here, and I'm back to do it. I would also request many other people out there to donate it as much as possible. Also, when you come down for blood donation, please, I would request people to also sign up for organ donations, because that's also equally important. Make yourself useful even after you're gone. So I really thank them and Supriya for putting in the efforts and bringing this up. Thanks. Thank you. Thank you. Thank you.